आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तोसान के जो किसान थे उनका धरना आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। इस गांव खरकड़ी माखवान, तहसील तोसान, जिला भिवानी, आज इस धरने को 7 गांव की पंचायत इस धरने के ऊपर और विभिन्न संगठन, बहुत सी किसान यूनियनें और बहुत से किसान संगठनों ने आकर के समर्थन दिया और उन्होंने कहा अब सरकार ऐसे नहीं चाहते कि किसी बड़े आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। लेकिन हमारे 7 गांव की खाप ने ये निर्णय लिया। आज किसान कृषि मंत्री से मिलेंगे और जिला भिवानी के उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। किसानों का कहना है यदि निश्चित समय में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे एक बड़े आंदोलन की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन शांति प्रिय है, यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, किसानों की नहीं। ये जो प्रोटेस्ट चलाया था ये अपने खेत पर चलाया था, खुद की जगह पर, किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं था और बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए चला था। हम एक बार और कोशिश करेंगे, कल DC को ज्ञापन दो और कृषि मंत्री हरियाणा को ज्ञापन दो। अगर वो 3 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो किसान यूनियनों के प्रधानों ने कहा कि फिर कोई बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमने जितना किया, हमारी मांग जायज़ थी, अपने खेत पर किया, आगे की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। बाकी जितनी किसान यूनियनें हैं उग्र रूप ले चुकी हैं, सरकार अगर 3 दिन में हमारी बात मानने या जो भी संभव मदद हो उसका आश्वासन दें किसी भी तरह से तो ठीक है, नहीं तो आगे से जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। सर पे अब तक खर भी आता है, सरकार इनके आंसू पहुँचती है, इनको इनकी भरपाई करके देती है। मैं मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूँगा और अगर कोई ठीक से मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर मैंने आज इनसे खुल करके कहा कि जो तुम फैसले लोगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तुम्हारे साथ है और जो ये फैसला करेंगे उस फैसले में हम इनके साथ खड़े होकर के इनके साथ न्याय कराएंगे। चौधरी देवीलाल ने हमेशा खेती करने वाला किसान, जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि आज के हालात में उसके सामने किसी किस्म की कठिनाई ना हो, उसको दिक्कत ना हो, ताकि वो आने वाले समय में फिर से अपनी और अगली फसल की तैयारी कर सके, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं है। उसका तो टमाटर सड़ रहे, किसान धरने पे बैठे हैं, SDM आता है, आकर के इनसे बात करके चला जाता है। सरकार की तरफ से कोई जिम्मेवार व्यक्ति की ड्यूटी लगानी चाहिए थी, जो आके इनकी फसल का आकलन करके जाता, देख करके जाता, सारी जानकारी लेकर के जाता, कम से कम